शाह साहब, ये एक तरफ उनका इन्होंने एक बार्स बड़े हाई सेट किए हुए हैं शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में, और डेफिनेटली पीएमएलएन का जो वोटर सपोर्टर है वो उस वैसे ही एक्सपेक्टेशंस अब भी लगा रहा होगा, तो मरियम साहिबा के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? साथ ही साथ फैसल वाडा का ये बयान के भी बुजदार टू साबित होंगे पीएमएलएन के लिए, डू यू अग्री विद हिम? देखिए, वाडा साहब की तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगी, वो अपोनेंट्स के हवाले से करते हैं, लेकिन लगारी साहब ने एक जो बात की, देखिए फर्स्ट टाइम एक्टिव रोल में तो ज़रूर आई हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो पिछली हुकूमतों के अंदर भी उनकी पार्टी की जो लीडरशिप है और जो पार्टी वर्कर्स हैं वो कहते रहे हैं कि उनका काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस रहा है बहुत सारे मामलों के अंदर, और वो अब हम कह सकते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक लेगेसी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र की है वो मरियम नवाज़ की शक्ल में। करेक्टर का अपना एक एम्बिशियस रोल है, देखिए आप बड़ी एग्रेसिव भी हैं, एम्बिशियस भी हैं, और एक लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि फास्ट पेस पे जो है वो काम करने वाली खातून है जो हम विजिबली देख रहे हैं पिछले इतने टाइम के अंदर। ज़रूर जो चैलेंज उनको आएगा सबसे बड़ा वो यही है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो एक बेंचमार्क सेट किया हुआ था पीएमएलएन का और जो फेस था एज अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर, उसको अगर देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो मरियम नवाज साहिबा टेक ओवर करती हैं, लेकिन एक जो अंदर चैलेंज उनको आएगा हमदा शहबाज शरीफ के अलावा भी जो पार्टी के सीनियर लीडरशिप है मेरे ख्याल में उनके हवाले से भी उनके जो ख्याल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, और वो इसी वजह से कह रहे हैं कि वो एक नई टीम के साथ चलेंगी। तो अब देखना ये होगा कि जो पुराने पीएमएलएन के लीडर्स थे वर्कर्स थे क्या वो बस डिस्पोज ऑफ हो गए और वो एक नई टीम के साथ जाएंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नई टीम के अंदर उनके पास देखें ब्यूरोक्रेट्स की जो टीम थी जो कि कहा जाता था कि बाकायदा जो है वो उनको ट्रेन किया गया विद इन लाइक लास्ट 30 ईयर्स पीएमएलएन बाकायदा उनके ऊपर वर्किंग करते रहे, और बाद ये एक इल्ज़ाम भी आता रहा कि जनाब वो ओवरऑल जो है एक पूरे खेप इन्होंने तैयार की हुई जो कि इनका सिस्टम रन करते हैं। और अब ये देखना होगा क्या है मरियम नवाज साहिबा उस लेगेसी के साथ चलती हैं उस सिस्टम के साथ चलती हैं कि नहीं, वो अपनी कोई वाइब्रेंट नई पॉलिसी लेके आती हैं, एक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखें आज तक पीएमएलएन या पंजाब की जो सेंट्रल पंजाब की लीडरशिप थी उन्होंने सदरन पंजाब पे कभी फोकस नहीं किया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि अगर एक न्यू फेस ऑफ पीएमएलएन आया है मरियम नवाज की शक्ल में तो आया वो सदरन पंजाब जो कि हमेशा से नेगलेक्टेड रहा है और वहाँ पे फोकस नहीं रहा इवन जो पीएमएलएन की अपनी गवर्नमेंट का, तो वो उसको कैसे देखती हैं। तीसरा जो बड़ा चैलेंज होगा वो होगा सूबे के साथ ताल्लुक। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब वो दूसरे सूबों के साथ बलूचिस्तान को देख लें केपी को देख लें, क्योंकि मियां साहब ने जो एक स्टेटमेंट खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से दी कि या हुकूमत भी उनके मुखालिफ होगी, तो आया वो जो ओवरऑल सूबों के साथ इनका ताल्लुक होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्या वो उसी एग्रेसिव टोन में जाएंगी जो कि इलेक्शन से पहले था जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान था, तो ये मेरे ख्याल में बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। एक और बैठे हुए हैं सेंटर में और रिसोर्सेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।